हरियाणा कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने लंपे बीमारी को लेकर माना कि हरियाणा में पड़ोसी राज्यों से कम ही लंपे बीमारी के केस हैं, फिर भी हरियाणा सरकार लंपे बीमारी पर काबू पाने के लिए पुख्ता व व्यापक प्रबंध कर रही है। सरकार ने 20 लाख वैक्सीन मंगवाई हैं जो जल्द मिल जाएंगी। वहीं अब तक करीब 5 लाख वैक्सीन पशुओं को लगाई भी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल आज दादरी के लघु सचिवालय सभागार में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इससे पहले उन्होंने 10 परिवार तथा 50 अन्य शिकायतों की सुनवाई की। कृषि मंत्री ने हर एक शिकायत को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनाली फोगाट मर्डर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कानून द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोनाली के परिवार चाहेगा तो सरकार द्वारा केस की CBI से जांच करवाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने भी सोनाली के परिवार को कानूनी कार्रवाई के बारे में भी कहा है। समिति की बैठक हुई, इसमें 10 लोगों की शिकायतें थी जिनका समाधान किया गया और लगभग 20-25 नई एप्लीकेशन हमने ली है और ज़्यादातर शिकायतें वही दादरी शहर में जल भराव की है, जो सीवरेज का पानी भरा हुआ है उसकी शिकायत है, कई ट्यूबवेल कनेक्शन की मुद्दे हैं, गांव की गलियों के मुद्दे हैं और अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समाधान करें और अगर हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं तो ये माना जाएगा कि अधिकारी जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहे। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक कल्याणकारी सरकार को जनता की आवाज़ सुन करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसी दिशा में हम काम करते रहते हैं। और दूसरी आजकल एक समस्या है कि गौ माता के अंदर लंपी स्किन की डिजीज़ आई हुई है, उसका सारा प्रशासन को आदेश दिया हुआ है कि तुरंत वैक्सीनेशन का काम करवाएं। यहाँ पर भी जितनी गायें हैं उतनी वैक्सीन भिजवा दी हैं, अगले 2-3 दिन में वैक्सीन लगवा दें ताकि गौ माता के अंदर ये बीमारी फैले ना। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी फैली थी है। हमने टाइमली एक्शन लेकर के 20 लाख वैक्सीन मंगवा करके और लगभग 5 लाख गवों को वैक्सीन लग गई है। बाकी की वैक्सीन अगले 3-4 दिन में लगाने का हमने लक्ष्य दिया हुआ है। हर रोज़ सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो संक्रमित गाय हैं जिला प्रशासन को हमने आदेश दिया हुआ है कि उनको अलग से रखें और कोई किसी गाय का देहांत हो गया है तो उसको ठीक ढंग से उसको मिट्टी गहरे गड्ढे में उसको दफनाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो मौत हुई है और उनके परिवारजनों ने शक जाहिर किया है और उनके शक के बेस पर गोवा पुलिस ने 302 की धारा लगा करके FIR दर्ज कर दी है। और जो भी उनके परिवार के लोग चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि जैसा भी चाहेंगे वैसी जांच कराएंगे और किसी भी तरह का कोई भी कितना बड़ा मुजरिम हो उसको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो कानूनी प्रक्रिया है, अब ये जांच का विषय है कि किसने क्या किया, कैसे किया, FIR दर्ज है और जांच जब सामने आएगी तो सब कुछ पब्लिक के सामने आ जाएगा। जो भी हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है, किसी का भी भ्रष्टाचार, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।